नमस्कार, सीबीएसई इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 सिविक्स में स्टडी करने वाले हैं ऑन इक्वालिटी। तो ऑन इक्वालिटी में सबसे पहले देखिए, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, भारत एक लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम स्टडी करेंगे। और सिक्स क्लास में ऑलरेडी आपने की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के में स्टडी कर लिया है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। दीज इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन, मीन्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आपको पता ही है कि जनता ही सरकार बनाती है और जही सरकार को चुनती है। पीएम, सीएम, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, दोनों का चुनाव जनता के द्वारा होना होता है। द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी समुदायों के बीच में हो जाता है, क्योंकि ये संसद और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभाएं, ये कानून बनाती हैं अपने राज्यों में और देश में लागू होता है। तो कभी कभी जो कानून पास होता है रिजोल्यूशन पे कॉन्फ्लिक्ट भी होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि किसी ग्रुप के फ़ायदे में होता है, किसी ग्रुप के अगेंस्ट होता है। तो जो भी कानून बने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आशा की जाती है कि इक्वालिटी हो, समानता हो और जस्टिस हो, हर किसी के साथ जस्टिस हो। इक्वालिटी जो है किसी डेमोक्रेसी का एक मुख्य फीचर है। इक्वालिटी इज़ द की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, किसी भी लोकतंत्र का जो मुख्य बिंदु है या केंद्र बिंदु है वो कहा जाता है कि समानता, मतलब देश में समानता होना चाहिए। सभी जाति धर्म और जितने भी समुदाय के लोग हैं सब लोग एक जैसे बराबर होने चाहिए। और कहीं न कहीं से ये हर चीज़ को अफेक्ट करता है। तो इन दिस चैप्टर वी विल रीड मोर अबाउट इक्वालिटी, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, समानता के बारे में, इक्वालिटी के बारे में। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस देश में इक्वालिटी हो। तो आइए हम इक्वालिटी को समझने से पहले एक स्टोरी को स्टडी करते हैं। जो स्टोरी है यहाँ पे आप देखिए, सारे लोग जो हैं एक लाइन लगा करके खड़े हुए हैं। सबसे पहले मंजीत कौर एक टीचर हैं, तेजा सिंह एक ट्रेडर हैं, गिरीश राव स्टूडेंट है, कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर हैं, सुजाता कुमारी होगा ये एक डोमेस्टिक वर्कर हैं। तो आप इस तरह देख लीजिए कि सब लोग एक लाइन में खड़े। तो इस स्टोरी में क्या शो किया गया है, ऑन द इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स। मतलब इलेक्शन है, चुनाव होने वाला है और कांता और उसकी दोस्त जो सुजाता है दोनों वेट कर रहे हैं कि उनकी अपनी बारी आए और वो चुनाव में भागीदारी दें, अपना वोट कास्ट करें। तो इसमें से कुछ जो कांता है, कांता क्या कहती हैं, इट इज़ नॉट गुड सुजा दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन ऑफ आर कंट्री, इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन लाइन विद अस। तो जो कांता है सुजा से कहती हैं कि क्योंकि ये दोनों डोमेस्टिक वर्कर हैं और ये इनके जो ओनर हैं जिनके घरों में काम करती हैं ये भी उसी लाइन में लास्ट में लगे हुए हैं, सारे लोग एक लाइन में लगे वोट देने के लिए। तो कांता कहती हैं कि ये ठीक नहीं है कि सारे लोग एक जैसे लाइन में लगे हुए हैं और सब अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो सुजाता कहती हैं कि हाँ ये तो सही कह रही हो, गो ऑन कांता लेट्स योर टर्न। और सुजाता कहती हैं कि कांता को जाओ अब तुम्हारी बारी आ गई है, आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रोमिस टू ब्रिंक पाइप वाटर टू आर एरिया। तो कांता इसमें एक बात ये कहती हैं कि मैं उसी को वोट दूंगी कि जो हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में पानी की सप्लाई पाइपलाइन से करेगा। तो सीधा सा मतलब ये है कि इनके क्षेत्र में पानी की सप्लाई नहीं होती है, तो ये वाटर सप्लाई के लिए जो है कह रही हैं कि जो नेता इनके एरिया में पानी की सप्लाई करेगा वो उनको ही वोट देने वाली है। अब आते हैं सेकंड पेज पे, ऊपर देखिए पीछे लाइन सुजाता की थी, फिर अब्दुल रहमान आर्टिसन हैं, सबनम बानो हाउस वाइफ हैं, ग्रेसी लैलेंग हैं, कंसल्टेंट हैं, इसाक लैलेंज हैं,
और गवर्नमेंट ऑफिसर हैं रुखसाना मिर्जा, मीडियन पर्सन हैं, अनएम्प्लॉयड हैं और एक इंडस्ट्रियलिस्ट सबसे लास्ट में खड़े हैं। तो जो स्टोरी चल रही है उस स्टोरी में क्या है कि आफ्टरवर्ड उसके बाद क्या कहानी होती है कि वी विल सी यू लेटर कांता, सुजाता कहती है कि मैं तुम्हें बाद में देखूंगी, जाओ पहले वोट दे दो। यस नमस्ते साहब। तो और इसके बाद फिर अपने ये ओनर से मिलती हैं और उनको नमस्ते भी कहती हैं। फिर ये वोट डालने के बाद ये अपने घर जाती हैं। घर में क्या होता है, हा हियर हैव सम ऑफ दिस यू विल फील बेटर एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल। ओके। तो देखते हैं कि इनकी बेटी बीमार है घर में और इनको उसके लिए कुछ न कुछ ऐसा इंतज़ाम करना होगा, मेडिसिन के लिए डॉक्टर दिखाना होगा। गुड़िया हैज़ बिन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहेब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। तो ये कांता कहती है कि मेरी बेटी बीमार है, घर में पड़ी हुई है और इसके लिए मुझे हॉस्पिटल दिखाने के लिए कुछ एडवांस चाहिए। तो ये फिर घर जाती हैं और फिर बेटी को कुछ हाल चाल पूछती हैं और उन्हें कुछ चाय पानी दे करके फिर ये अपने काम के लिए निकल जाती हैं साहब के घर, और फिर सोचती हैं कि कुछ एडवांस ले करके हम वहाँ से इलाज कराने आएंगे। इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इन लव एंड द बस्ती इज नेवर क्लीन्ड। और ये आप देखिए चित्र में दिया हो गया, पिक्चर में दिया गया है कि ये बस्ती बहुत ही अनक्लीन्ड तरीके से और गंदी बस्ती है जहाँ पे ये डोमेस्टिक वर्कर रहते हैं, तो ये अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं बच्चे इनके। तो ये प्रदूषण एक बहुत बड़ा कारण है बीमारी का और इनके पास उतना पैसा नहीं होता इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। अब हम तीसरे पेज पे आते हैं। तीसरे पेज पे देखते हैं मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। यहाँ पे देखिए इनके ओनर्स बैठे हुए हैं, मालिक जो हैं इनके अखबार पढ़ रहे हैं और इधर मैडम भी बैठी हुई हैं और ये कांता जो है ये साफ़ सफाई कर रही हैं, फर्स्ट क्लीनिंग कर रही हैं और ये कहती हैं कि चारों ओर अच्छे से साफ़ सफाई करो, प्रॉपरली सफाई करो। हियर इज़ योर एडवांस कांता, बट डू नॉट मेक अ हैबिट ऑफ इट। क्योंकि कांता जो है अपने ओनर के यहाँ काम करती हैं तो उनसे कहती हैं मुझे एडवांस चाहिए, बेटी की तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल दिखाना है। और फिर जो मालकिन हैं वो कहती हैं कि ऐसी आदत मत डालो कि बार बार एडवांस मांगने की, पैसे मांगने की, और क्योंकि हम बार बार एडवांस नहीं दे पाएंगे तो ऐसी हैबिट नहीं अपनाओ। तो ये नो मैडम करके अपना निकल जाती हैं। जस्ट फ्यू मिनट्स बेटी। और इसके बाद ये घर जाती हैं बच्चे को दिखाने के लिए हॉस्पिटल में। जैन साहब एंड जैन साहब में स्टार्टेड इन लाइन टू वोट, बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। तो ये कांता कहती हैं कि बड़ी मेन चीज़ बात कहती हैं, जब वोट देना होता है तो सब लोग बराबर होते हैं और हर कोई लाइन में अपना इंतज़ार करता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कौन आगे कौन पीछे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन हॉस्पिटल की जहाँ तक बात आती है तो वहाँ पे लाइन किसी को नहीं लगाना पड़ता है, मतलब जो बड़े लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, उनको लाइन नहीं लगाना पड़ता है, वो कभी भी एंटर कर जाते हैं, कभी प्रवेश कर जाते हैं, उनका अच्छे से ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर नर्सेस सारे अच्छे से देखभाल करते हैं और ज़्यादातर दे विल गो फॉर द ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। और जो गरीब हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, वो अपने बच्चों के इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। डू यू थिंक कांता हैज़ इनफ रीजन टू डाउट वेदर शी रियली इज इक्वल। तो क्या आप मान रहे हैं कि कांता हर तरह से बराबर है, समान है? लिस्ट थ्री रीजन्स फ्रॉम द स्टोरी अबव दैट माइट मेक हर फील लाइक दिस। तो ऊपर की स्टोरी से आप तीन रीज़न लिखिए क्या कांता को लगता है कि इक्वालिटी हो रही है। आगे हम बात करेंगे अगले टॉपिक में, इक्वल राइट टू वोट की बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और आपको ये कैसा लगा स्टोरी, थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ जाएगा इक्वलिटी के बारे में, समानता के बारे में। तो कल नए वीडियो के साथ मिलते हैं और इसी के साथ सीबीएसई इकोनॉमिक्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।